अध्याय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सनसनीखेज शादी से इनकार करने पर मां बेटी को जलाया चिंता। देश का विदेशी पूंजी भंडार 2.06 अरब डॉलर बढ़ा। राजस्थान के गुर्जर आंदोलन से दिल्ली मुंबई रेल रूट प्रभावित, कई गाड़ियां कैंसिल। नूह मेवात जिले के बाबा गांव में एक ही परिवार के 4 से 5 लोगों ने मिलकर एक मां और बेटी पर तेल छिड़क कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि लोग पीड़ित नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। पीड़िता के दिए गए बयान के मुताबिक आरोप तौफीक साहून और उनकी मां मुस्सी सहित अन्य लोग पिछले कुछ समय से पीड़ित महिला से उनकी नाबालिग बेटी से शादी करने का दबाव बना रहे थे। इस पर इनकार करना उसे इतना भारी पड़ा कि आरोपियों ने उसे और उसकी बेटी पर डीजल छिड़क दिया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 सगे भाइयों सहित मां और अन्य व्यक्तियों पर धारा 440, 307 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। नई दिल्ली, देश का विदेशी पूंजी भंडार 8 फरवरी को समाप्त में 2.06 अरब डॉलर बढ़कर 400.24 अरब डॉलर हो गया, जो 28,459.6 अरब रुपयों के बराबर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा भंडार आलोच्य सप्ताह में 1.28 अरब डॉलर बढ़कर 373.43 अरब डॉलर हो गया है, जो 26,554.7 अरब रुपए के बराबर है। नई दिल्ली, राजस्थान में भड़की गुर्जर आंदोलन की आग एक बार फिर रेलवे पर भारी पड़ रही है। इसके चलते दिल्ली मुंबई रेलवे रूट प्रभावित है। ऐसे में रेलवे ने कई गाड़ियां कैंसिल कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिन आंदोलनकारियों ने बयाना, सवाई और गंगानगर में ट्रेनों को रोक दिया था। शनिवार के लिए रेलवे ने रूट से गुजरने वाली 7 गाड़ियों को कैंसिल कर दिया है, जबकि 1 गाड़ी का रूट डायवर्ट किया गया है। तो रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कोटा मंडल की सच्चाई माधोपुरा और तो रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कोटा मंडल की सवाई माधोपुरा और बीकानेर जंक्शन के बीच आंदोलन के चलते रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। ऐसे में गाड़ियां 9 फरवरी के लिए रद्द की गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज की खबर देख रही है। आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।